जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। बिहार में जातीय जनगणना से रोक हट गई है। जातीय जनगणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। सरकार ने जनगणना की जगह सर्वे नाम दिया। जाति के आंकड़े जुटाना बड़ा मकसद है, ये कहना है सरकार का। जातीय जनगणना का काम कितना पूरा हुआ? दो चरणों में जातीय जनगणना होनी है। पहला फेज जनवरी में पूरा हो गया था। फर्स्ट फेज में लोगों के घरों की गिनती की गई थी। 15 अप्रैल से दूसरे फेज की शुरुआत हुई थी और 15 मई तक दूसरा फेज का काम पूरा होना था। जनगणना के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 4 मई को हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। जनगणना का 80% काम पूरा हो चुका है। बिहार में जातीय जनगणना से रोक हट गई है। चार मई को हाईकोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी थी। 80% काम पूरा हो चुका है जाति जनगणना का। पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया हाईकोर्ट ने आज। ये कारण हम लोग अभी जजमेंट नहीं देखे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं। कुछ नहीं बोले, केवल एक लाइन जज का जो आदेश था चीफ जस्टिस साहब का कि यह आवेदन खारिज किया जाता है। अब तो जजमेंट देख के बताएंगे जजमेंट क्या डायरेक्शन है, बिना देखे बोलना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जजमेंट क्या कहें, हमारे क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस पिटीशन को और सरकार की जीत हो गई है। अब सरकार इसको कंटिन्यू कर सकती है, जाति जनगणना को। जी, सभी डिसमिस हो गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करेंगे। देखिये, माननीय न्यायालय के आदेश का हमेशा हमने सम्मान किया है और आज भी कर रहे हैं। जिनको माननीय न्यायालय और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, उनसे जाके पूछिए जो माननीय न्यायालय के निर्णय पर उंगली उठाए थे और कई तरह की टिप्पणी किए थे, उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके नियत में खोट था। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन किया था, जातीय जनगणना के विषय पर साथ दिया था। जिनके नियत में खोट है, जो जातीय जनगणना के उद्देश्य को बताने में असफल रहे, इसका विजन, इसका अनुपालन, इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का कोई इनके पास नियत नहीं है, ये सार्वजनिक करे जातीय जनगणना के रिपोर्ट को।